हाँ जी, 12th क्लास। आज हम रिवाइज करते हैं बेटा चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएशन। और आपको पता है इसमें लिमिट की नीड है बेटा, तो सबसे पहले हम लिमिट रिवाइज करते हैं। लिमिट जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, जिसको हम नोटेशन देते हैं ये लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। ये एग्जिस्ट करती है कब बेटा, जब इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों किसी एक सिंगल वैल्यू के। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते थे a माइनस करके, x टेंड्स टू a माइनस, और राइट हैंड लिमिट को हम डिनोट करते हैं x टेंड्स टू a प्लस। ठीक है, ये नोटेशन आपने ध्यान रखनी है। और इसको कैलकुलेशन करते हुए हम बेटा लेफ्ट राइट में ना रख के हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे। और वो वेरिएबल हम कैसे लेते थे, लेफ्ट से वैल्यू लेनी है तो a माइनस एच, राइट से वैल्यू लेनी है तो a प्लस एच। ओके, लेफ्ट के लिए x की जगह रख दिया हमने a माइनस एच और h को टेंड्स कर दिया 0। आप समझ सकते हैं जब x टेंड्स टू है a माइनस दैट मीन्स h टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि हमने x को लिया है a माइनस एच। ओके, और इसी तरीके से राइट में हम क्या करते हैं, x की जगह a प्लस एच रखते हैं, h टेंड्स टू 0। ये दोनों लिमिट l के किसी एक नंबर के इक्वल आनी चाहिए, तब हम कहते हैं लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू l। ओके, अब इन लिमिट्स को एवेल्युएट करने के डिफरेंट वेज में, सबसे पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं जब पॉलिनोमियल हो, जब ऐसा रैशनल हो जो 0/0 ना बन रहा हो, तब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स जिस लिमिट को अप्रोच करना है उस वैल्यू को ही पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने एक वैल्यू निकालनी है लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज एक्स टेंड्स टू 3। पॉलिनोमियल है तो हम सिंपली इसमें 3 पुट कर देंगे, वी विल गेट 14। मतलब एक तरीके से पॉलिनोमियल के लिए लिमिट उसकी वैल्यू के इक्वल होती है। दूसरा, ये रैशनल एक्सप्रेशन लिया है बेटा, आप देखो एक्स टेंड्स टू 1 अगर यहाँ पुट करते हो तो डेनोमिनेटर 0 नहीं है। जब तक डेनोमिनेटर 0 नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप पुट कर सकते हैं। उसमें वैल्यू हमने पुट किया, हमारे पास आया 0/6 दैट मीन्स 0। ओके, तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे पहला तरीका है। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है तो वो करना है हमने। अदरवाइज अगर हमें ये, जैसे ये अभी सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बेटा 0/ सम एग्जैक्ट नंबर फॉर्म आ रही थी। अगर 0/0 फॉर्म आते तब हम क्या करते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन में 0/0 फॉर्म आए तब हम चेक करते हैं बेटा सबसे पहले कि जिसको हम टेंड्स टू कर रहे हैं दैट मीन्स एक्स टेंड्स टू ए, तो क्या एक्स माइनस ए न्यूमैरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों के कहीं फैक्टर तो नहीं है। अगर फैक्टर हैं तो हम वो कॉमन एक्सप्रेशन जो एक्स माइनस ए बनेगा उसको काट देते हैं। देखिए जैसे यहाँ हमने किया, सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स माइनस 2 रखा तो डेनोमिनेटर 0, 2 रखा तो न्यूमैरेटर भी 0। 0/0 फॉर्म हो गई, बट आप गौर से देखो, आप रिजल्ट रिकॉल कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये अगर एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब की तरह रखोगे तो एक्स माइनस 2 एक फैक्टर आ गया और डेनोमिनेटर तो है ही एक्स माइनस 2, तो दैट मीन्स इसी के कारण आपका 0/0 फॉर्म बन रही थी। हम इसे कट कर सकते हैं क्योंकि x टेंड्स टू 2 का क्या मतलब बेटा, वेरी नियर टू 2। दैट मीन्स x माइनस 2 जीरो नहीं है, इसलिए हम इसको कट कर पा रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग जो रह गया वो पॉलिनोमियल रह गया। पॉलिनोमियल में तो सिंपली हम वैल्यू पुट करके लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले डायरेक्ट वे, उसके बाद फैक्टराइजेशन। देखिए अगर 0/0 फॉर्म बन रही है देन रैशनलाइजेशन। 0/0 फॉर्म बन रही है तो रैशनलाइजेशन भी सोच सकते हैं। एग्जाम्पल से ही देखते जाते हैं बेटा। ये अब एक्सप्रेशन है, यहाँ अगर आप 0 रखो डेनोमिनेटर क्लियर कट दिखता है 0, न्यूमैरेटर में रखोगे √3 माइनस √3 0। 0/0 फॉर्म हो गई, तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज किससे करेंगे, जो ये सर्ड का बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा है इसके कंजुगेट से, दैट मीन्स मिडल में पॉजिटिव साइन लेकर। इससे हम रैशनलाइज कर रहे हैं तो देखिए क्या आया, जो हमारा न्यूमैरेटर है उसमें फॉर्मूला लगा बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 3 प्लस एक्स, √3 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस एक्स, रूट थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर थ्री माइनस एक्स। जब आपने इसे ओपन किया तो ये 2x रह गया और x नीचे था जिसके वजह से 0 बन रहा था। x से x अब कट गया। अगेन याद दिला दूं, x टेंड्स टू 0 है, दैट मीन्स x क्लियर है कि 0 के इक्वल नहीं है। हम नॉन जीरो फैक्टर ही कट कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए बेटा, तभी हम कट कर रहे होते हैं। अब ये रह गया 2 अपॉन दिस। अब आप इसमें लिमिट पुट करिए, इजिली पुट कर सकते हैं क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। 2 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट थ्री दैट मीन्स 2 अपॉन 2 रूट थ्री दैट मीन्स 1 अपॉन। ओके, सिंपल टू गेट। 0/0 फॉर्म में कई बार कुछ नहीं लगता तो बेटे एल हॉस्पिटल्स रूल लगता है, वो नो डाउट आपके सीबीएसई कोर्स में नहीं है बट कॉम्पिटिशन्स के लिए आप कर सकते हो। वो सिंपली क्या होता है मैं एक बार बता देती हूँ। जैसे लिमिट अगर आपको किसी की निकालनी है एफ अपॉन जी और वो 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप इसको सेम लिमिट x टेंड्स टू a रखकर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर ये ले सकते, ठीक है। दैट इज एल हॉस्पिटल्स रूल्स। हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। चलिए, फोर्थ वे ऑफ फाइंडिंग लिमिट्स। फोर्थ वे फाइंडिंग लिमिट्स की क्या थी? जो हम स्टैंडर्ड लिमिट्स 11th में कैलकुलेट कर चुके थे उनको यूज करना। वो रिकॉल कर लीजिए, लिमिट ऑफ एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए as x tends to a is nothing but n into a power n minus 1, ठीक है। limit of sin x upon x, x tends to 0 is 1, limit of tan x upon x as x tends to 0 is 1, limit of 1 minus cos x upon x, x tends to 0 is 0, limit of log of 1 plus x upon x, x tends to 0 is 1, limit of e power x minus 1 upon x, x tends to 0 is 1. आई होप आपको भी क्विकली रिकॉल हुआ होगा बेटा, एकदम इजी था। इन सबको याद करना है। ये फोर लिमिट्स तो आपकी 1-1 ही आती हैं और आपको ध्यान रहना चाहिए साइन, टेन, लॉग और ई की है। एक्सप्रेशन बिल्कुल ध्यान रखते हैं बेटा। ये कई बार बच्चे लॉग एक्स प्लस 1 याद कर लेते हैं, आई मीन लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, वो आप ध्यान रखिए लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। और ये आपकी बिल्कुल यूनिक आइडेंटिटी और ये कॉज में ही 0 आती है लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेटा। जस्ट सी, लिमिट ऑफ साइन 3x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्या है बेटा, जो साइन के साथ एंगल होना चाहिए वही डेनोमिनेटर में होना चाहिए। अभी साइन के साथ एंगल तो 3x है, नीचे सिर्फ x है। ऐसी चीज़ों को हम एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपली क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो डिवाइड है उसने 3x बना दिया पूरा, ये 3 कॉन्स्टेंट आ गया। और हम ध्यान रख सकते हैं वेन एवर एक्स टेंड्स टू 0 3 इंटू एक्स विल ऑल्सो टेंड्स टू 0। जो आप सिंपल नॉर्मल में सोचते हैं ना उसी ढंग से सोचना है। अगर एक्स 0 हो जाए तो 3x भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स हमने क्या यूज किया था बेटा, कांस्टेंट है अगर तो कांस्टेंट को हम लिमिट से बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट साइन 3x अपॉन 3x, 3x टेंड्स टू 0, ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया, 1, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसे लिखते लिखते ऐसे ही साइन 3x अपॉन 3x उसको 1, नहीं बेटा, बिल्कुल ध्यान रखिए लिमिट ऑफ साइन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 1 है, साइन x अपॉन x खुद में 1 नहीं है, ठीक है। लिमिट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब 1 है, ये 3 आ गया। ओके, सिंपल। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चंस तो आप रिकॉल कर ही सकते हैं, ये मैं थोड़े से वो रिकॉल करा रही हूँ जहाँ एडजस्टमेंट करनी होती थी। देखिए, ई पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ ई पावर साइन एक्स है, फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, एक्स। ये और ये सेम चाहिए बेसिकली फॉर्मूले में, आप ध्यान रखो तो एक्स और एक्स। तो यहाँ तो मैं चेंज नहीं कर सकती, साइन इंटू एक्स नहीं है, साइन ऑफ एक्स है, ठीक है। यहाँ मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, साइन एक्स से डिवाइड कर दूँ, डिवाइड करूंगी तो मल्टीप्लाई भी करूंगी, ठीक है। तो मैंने साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कैसे एडजस्ट किया इसे, जो ये नीचे वाला साइन एक्स है डिवाइड कर रहा है उसको मैंने एडजस्ट कर लिया ई पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स से, ऐसा ही एक्सप्रेशन आ गया। क्योंकि हम समझते हैं जब एक्स टेंड्स टू 0 होगा साइन एक्स भी टेंड्स टू 0 होगा। अगेन कह रही हूँ, टेंड्स टू देख के घबराइए मत, बिल्कुल हम इक्वालिटी में ही माइंड में सोचते हैं कि अगर एक्स 0 होता तो साइन एक्स क्या होता, 0, ठीक है। तो बिल्कुल इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस लिमिट में, ठीक है। देख रहे हैं लिमिट ऑफ ई पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स टेंड्स टू 0 जो कि 1 आएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, ये साइन एक्स जो हमने मल्टीप्लाई में लिया था इसके साथ एक्स डिवाइड कर दिया, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट यूज कर लिया, लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन इज लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू लिमिट ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये भी वन है, ये भी वन है, वन इंटू वन वन आंसर। ओके, ऐसे फाइंड आउट करते थे हम फॉर्मूलों को यूज करके लिमिट्स। अब इसके साथ ये कुछ आइडेंटिटीज याद रख लेंगे बेटा आप फैक्टराइजेशन के लिए। इसको क्लिक कर लीजिए या एक बार पॉज करके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। ये आइडेंटिटीज आपके फैक्टराइजेशन में यूज हो सकती हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू, मेन टॉपिक ट्वेल्थ क्लास का। लिमिट्स को हमने रिवाइज किया कंटिन्यूटी में ही यूज करने के लिए। कंटिन्यूटी सिर्फ आप ध्यान ये रख सकते हो बेटा, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए उसके डोमेन में कोई नंबर है उस पर डिफाइंड होता है तो उसको कंटिन्यूस कहा जाता है उस पॉइंट पर, जबकि उसकी लिमिट एज एक्सटेंड्स टू ए उसकी वैल्यू एट ए के इक्वल हो। ओके, तब हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। अब लिमिट हमने अभी अभी रिवाइज किया। लिमिट एग्जिस्ट कब कहते हैं बेटा, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एफ ए के इक्वल होनी चाहिए। ये एक्सपेंडेड वाली आप थोड़ी याद रखें तो बेटर है बेटा क्वेश्चंस, क्योंकि इसी से हमारे सबसे ज्यादा होते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। चलिए, कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू ए है जब लिमिट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एफ ए है। जब नहीं कंटिन्यूस है तो हम उसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछते हैं बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे। यस, कंटिन्यूटी थ्रू ग्राफ। नो डाउट सीबीएसई में ऐसा जितने क्वेश्चंस नहीं आते, बट बेटर है आप अंडरस्टैंड करें बेटा, और आ सकते हैं, कोई ये नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है सिंपली। कॉम्पिटिशन्स में तो पूछे जाते ही हैं। चलिए, आपके बुक में भी रादर काफ़ी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं इसके। चलिए, ये एक ग्राफ देखिए गौर से। इस ग्राफ में क्या हुआ, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करते जा रहे हैं, यहाँ पर आके फिर हमने पेन उठाया, फिर इसको ड्रॉ किया। तो सिंपल यही अंडरस्टैंडिंग है। ग्राफ जब भी आप देखें आप गौर से देखें कि क्या इस ग्राफ को एक फ्लो में बनाया गया है, एक ही बार पेपर पर हाथ रख के पेन रख के बनाया गया है, या हाथ उठाया गया था ग्राफ से तब इसको आगे पूरा कंप्लीट किया गया, ठीक है। जब भी ये किया गया कि हाथ उठाया गया, दोबारा दूसरी जगह पे रखा गया, फिर ड्रॉ किया गया, तो वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस तभी है जब एक फ्लो में उसको ड्रॉ किया गया। ओके, और ये आप ग्राफ देख सकते हो बेटा, ये ग्राफ x लेस देन इक्वल टू 0 1 वैल्यू रख रहा है और x ग्रेटर देन 0 2 वैल्यू रख रहा है। 0 पर वैल्यू 1 रख रहा है लेफ्ट में, दैट मीन्स लेफ्ट लिमिट इसकी 1 आएगी, क्योंकि हमारे वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट की लिमिट वही की वही आती है, ठीक है। राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। जब एक लिमिट एक साइड एग्जिस्ट कर रही है, एक एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो हमारी उस फंक्शन की पर कंटिन्यूटी की बात ही नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए, एनीवे ग्राफिकली जो समझना है ये मैंने आपको अलजेब्रिकली समझा दिया, पर ग्राफिकली आपने यही समझना है कि पेन उठाना पड़ रहा है आपको ग्राफ से, तो वो कंटिन्यूस नहीं है। लेफ्ट एंड राइट कंटिन्यूटी कई बार होता है बेटा, फंक्शन सिर्फ लेफ्ट पे डिफाइंड है, राइट पे डिफाइंड ही नहीं है। कई बार राइट में डिफाइंड है, लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, तो आपको लेफ्ट राइट कंटिन्यूटी आपको ध्यान रखनी होती है। लेफ्ट कंटिन्यूटी जब लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू के है, और जब राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है तो राइट कंटिन्यूटी। सिंपल टर्म्स आपको, नो डाउट इसके अभी एज सच सीबीएसई में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कंटिन्यूटी हमने एट ए पॉइंट की बात की बेटा, अगर ओपन इंटरवल में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। क्लोज इंटरवल पे बात कर रहे हैं अगर, तो क्लोज इंटरवल अगर डोमेन है मान लो, नेचुरली हम कंटिन्यूटी अभी बात करेंगे तो डोमेन में बात करेंगे फंक्शंस की, तो क्लोज इंटरवल में जब बात करेंगे ना बेटा, तो ओपन इंटरवल के अलावा इसमें ए और बी पॉइंट इंक्लूडेड है, तो आप इसको 3 पार्ट्स में कह सकते हो, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। ओपन इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर हो, ए के क्योंकि लेफ्ट में डिफाइंड नहीं है, राइट में डिफाइंड है, तो ए पर राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, दैट मीन्स ये डेफिनेशंस फॉलो करना चाहिए। और बी पर क्योंकि राइट में डिफाइन नहीं होगा, लेफ्ट में डिफाइन होगा, तो बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। जब आपको क्लोज इंटरवल एबी में बात करनी है तो उसके अंदर आए सभी पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एक तरीके से आप इसको 3 पॉइंट्स पे चेक कर सकते हो, 3 पार्ट्स में, सॉरी। ओपन इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस हो, मतलब उसके सभी पॉइंट्स पर। ए जो लेफ्ट का पॉइंट है इंटरवल का, उस पर राइट कंटिन्यूस हो, क्योंकि लेफ्ट में तो डिफाइंड ही नहीं है। और बी पर लेफ्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप क्लोज इंटरवल के लिए ध्यान रखेंगे। यस, देखिए कंटिन्यूस फंक्शन इन सब के लिए हमने ये डिफाइन किया है। कंटिन्यूस फंक्शन हम कब कहेंगे? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन के हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो उस फंक्शन को कंटिन्यूस कहते हैं। अब कुछ आप स्पेशल फंक्शंस जो हमने 11th में पढ़े हुए उनके ग्राफ रिकॉल करिए बेटा थोड़ा सा। लॉगरिथमिक कंटिन्यूस है। रैशनल फंक्शन जब तक उसके डोमेन पे बात हो रही है कंटिन्यूस है। टेंजेंट फंक्शन कंटिन्यूस है। सीकेंट फंक्शन कंटिन्यूस है। कोटेंजेंट फंक्शन कंटिन्यूस है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में कंटिन्यूस है, ठीक है। और अगर डोमेन किसी का कंप्लीट रियल नंबर लाइन ही आ जाता है तो हम उसे एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं बेटा, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। और ऐसे एग्जाम्पल हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, ठीक है। ये सारे एवरीवेयर कंटिन्यूस है, मतलब कंप्लीट रियल नंबर सेट पर कंटिन्यूस है बेटा। और ये सब क्योंकि इनके कंप्लीट रियल नंबर लाइन डोमेन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, तो ये उन पर कंटिन्यूस है। तो ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है। बस फर्क इतना है, ये सब रियल नंबर सेट पर कंटिन्यूस है, ये सब अपने अपने डोमेन पे, इनका डोमेन ही रियल नंबर सेट है, ठीक है। तो इनको एवरीवेयर कंटिन्यूस कहते हैं। ये आप स्पेशल नेम ध्यान रखिए, स्पेशली कई बार एग्जाम्पल ही पूछ लें 1 मार्क में तो आपको पता होने चाहिए कुछ नाम कि कांस्टेंट, आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, साइन, कोसाइन, ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है, ठीक है। चलिए आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा कंटिन्यूटी चेक करने के। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3। सिंपल पॉलिनोमियल है बेटा। सिंपल पॉलिनोमियल की लेफ्ट राइट लिमिट अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, अभी हमने देखा इसकी सिर्फ लिमिट निकाली। एज एक्स टेंड्स टू 3 हम सिंपल पॉलिनोमियल में वैल्यू ही पुट कर देते हैं, 3 के 17 आएगी। ऑलरेडी वैसे मेंटली हमें पता होता है क्योंकि पॉलिनोमियल की लिमिट निकालने में हमने वैल्यू ही रखने और हम वैल्यू की ही बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो इक्वल ही आना है। पर जैसा कि डेफिनेशन में जो चाहिए कि ये लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, तो दोनों को अलग अलग निकाल के दिखाइए बिल्कुल, देन दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए कंटिन्यूस है, ठीक है। अदरवाइज हमें वैसे भी पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है। यस, x-5 की अब कंटिन्यूटी पूछी है। देखो यहाँ पर हमें एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी की बात की है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट डेफिनेशन हमने यूज कर ली। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमें इसका डोमेन देखना है, और सिंपल पॉलिनोमियल का डोमेन होता है R, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, सिंपल कंटिन्यूटी पूछी है तो उसके डोमेन पे बात हो रही है। एक पॉइंट ले लिया कोई भी A बिलोंगिंग टू R, तो क्या होगा? एफ ए -5 होगा। उसी पर लिमिट निकालेंगे तो क्योंकि पॉलिनोमियल है हमने वैल्यू रख के ही निकालनी है, दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। इसको फाइनल लिख दीजिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए इज एफ ए इक्वल टू ए माइनस एफ, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए और विच इज जनरल पॉइंट ऑफ द डोमेन आर, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। ओके, सिंपल क्वेश्चंस बेटा। यस, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका डोमेन क्या है बेटा? क्योंकि ये रैशनल एक्सप्रेशन है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और रादर वो खुद भी एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। अदर नहीं होता तो आप भी डोमेन सोचते तो R-5 ही सोचते, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कंडीशन दी हो, आपको खुद सोचना है इसका डोमेन क्या है। डोमेन R-5 है तो बस पीछे के क्वेश्चन की तरह बेटा हमने कोई भी ऐसा पॉइंट ले लिया जो डोमेन में है, मतलब 5 के इक्वल नहीं है तो कोई भी पॉइंट है तो हम उस पर वैल्यू भी निकाल के दिखा देंगे। फंक्शन की वैल्यू एट a 1/a-5 और लिमिट एज x टेंड्स टू a एफ एक्स इज अगेन 1/a-5, दोनों इक्वल है। फंक्शन कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a विच इज जनरल पॉइंट ऑफ द डोमेन, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस। ओके, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन कई बार वैसे इतना इजी भी एक्सप्रेशन देने में चूक कर जाते हैं बच्चे, बस वही ध्यान रखना है बेटे। चलिए एल्जेब्रा, सिंपल एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? दो फंक्शन अगर कंटिन्यूस हैं एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि सिंगल पॉइंट से ही डोमेन बन रहे हैं बेटा, तो हम सिंगल पॉइंट पे ही बात करते हैं इसकी। तो उनका सम भी कंटिन्यूस होगा, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, उनकी डिवीजन भी कंटिन्यूस होगी अनलेस अंटिल वो डिफाइंड है। दैट मीन्स जी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, डेनोमिनेटर एट ए डिफाइंड है। ठीक है, अल्फा इंटू एफ वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर, ए पी कुछ भी ले सकते हैं बेटा, कोई भी रियल नंबर इंटू सम फंक्शन की बात करें तो वो भी कंटिन्यूस होगा। 1 अपॉन एनी कंटिन्यूस फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा, अगेन बात वही आती है, उसका डेनोमिनेटर डिफाइंड होना चाहिए, एफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई थिंक सिंपल टू अंडरस्टैंड अलजेब्रा, सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन डिफाइंड होनी चाहिए, कंटिन्यूस होगी, और सम स्केलर नंबर इंटू फंक्शन कंटिन्यूस होगा, 1 अपॉन अनदर फंक्शन विच इज कंटिन्यूस। यस, कंपोजिट फंक्शन हमने एज सच रिलेशन फंक्शन में नहीं किए बेटा, लेकिन आपको समझा दिए गए थे। एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में कंपोजिशन ही है। ठीक है, तो सिर्फ एग्जांपल लेती हूँ एक, साइन एक्स फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हमने अभी पढ़ा, दोनों कंटिन्यूस है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम, अगर कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो भी कंटिन्यूस होगा। सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपके CUET वगैरह में काम आ सकती है, अदरवाइज CBSE में बिल्कुल चांसेस नहीं है इसके बेटा। यस, इन्वर्स फंक्शन की कंटिन्यूटी, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है और कंटिन्यूस है तो उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूस होगा। जैसे साइन थीटा फंक्शन इस डोमेन पर अगर डिफाइन करें, ये अगर रेंज ले तो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, इसका इन्वर्स जिसका डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगा। आपको पता है किसी फंक्शन का हम इन्वर्स डिफाइन करते हैं तो डोमेन को डोमेन इंटरचेंज हो जाते हैं इन्वर्स फंक्शन के, वो भी कंटिन्यूस होगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है, इस साइन की कंटिन्यूटी से आप इन्वर्स की साइन की कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्री के लिए भी, सभी रादर सभी जो भी जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यस, शो करना है साइन फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा। देखिए साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कंप्लीट रियल नंबर लाइन। दैट मीन्स अगर किसी एक रियल नंबर के लिए हम शो कर दें तो सभी के लिए जनरलाइज कर सकते हैं, तो हम एक रियल नंबर ले लेते हैं, ए बिलोंगिंग टू आर। इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे डिनोट करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इसको हमने चेंज किया बेटे, जो हम जनरलाइज करते हैं एच फॉर्म में, एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह रख देंगे ए माइनस एच। ओके, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ हम, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, तो इसको फॉर्मूला का जब यूज किया, एच टेंड्स टू 0 किया तो कॉस 0 और यहाँ साइन 0, साइन 0 0 होता है बेटे, कॉस 0 1 होता है, तो ये आपका पार्ट 0 हो गया पूरा, ये साइन ए रह गया। ओके ऐसे ही ना, अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है एफ एक्स की एज एक्स टेंड्स टू ए प्लस। तो इसको भी जब एच फॉर्म में चेंज किया तो एच टेंड्स टू 0 और एक्स को हम पुट करेंगे ए प्लस एच। अब सेम फॉर्मूला प्लस के लिए भी, प्लस ये होता है यहाँ पर साइन ए कॉज एच प्लस कॉज ए साइन एच, सेम ढंग से एच टेंड्स टू 0 पुट किया हमने बेटा, जहाँ ए है वहां नहीं पुट करना, जहाँ एच है वहां पुट करना है। ठीक है, कॉस 0 1 साइन 0 0, तो ये पार्ट तो हो गया 0, ये रह गया सिर्फ साइन ए। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एफ ए आ गई, और फंक्शन की वैल्यू कहें तो वो भी बेटे साइन ए ही आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एफ ऑफ ए साइन ए आ गई है। दैट मीन्स साइन एक्स फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, जो कि जनरल पॉइंट है उसके डोमेन का। दैट मीन्स साइन फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके तो इस ढंग से सिंपल आप कंटिन्यूटी बात कर सकते हैं। ज्यादा क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। हम तो एक बार टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं बेटा, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। चलिए, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन थ्रू इट्स ग्राफ, ग्राफ्स के थ्रू के लिए कुछ क्वेश्चंस जस्ट एग्जांपल दिए थे हमें ना बेटा, क्योंकि इसके प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं। जस्ट देखिए, ये हमारा साइन फंक्शन का ग्राफ, और ये ग्राफ जो मैंने अभी पीछे आपसे बात की थी ये कंटिन्यूस नहीं है, ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस नहीं है। रीजन क्या बोला था, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हम थ्रू आउट एक ही थ्रू पेन रखते चलाते हुए कर रहे हैं। इसको हमने यहाँ तक ड्रॉ किया, फिर पेन उठाया, फिर यहाँ से चलाया। सिंपल ग्राफ में आपने यही अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ बात करेंगे तो एक तरीके से x इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं अपने आप। यस, यहाँ देखिए, यहाँ ये ग्राफ इधर ड्रॉ हो रहा है बट 0 पर वैल्यू उसकी 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पर ड्रॉ किया होगा, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर पेन उठाना ही पड़ा। तो ये कंटिन्यूस नहीं है और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है और इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 है। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ ड्रॉ हो रहा है सीधा, फिर यहाँ से पेन उठाया गया, यहाँ से आगे ड्रॉ किया, तो डिसकंटिन्यूस है, ये क्लियर। और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, x इक्वल टू 1। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछते हैं जनरली जो कंपटीशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें। यस, इसमें आपका ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ हो रहा, फिर पेन उठाया गया, यहाँ से यहाँ, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्लियर पता चल रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देखिए क्या है, ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, लेकिन इस अंडरस्टैंड करना है बेटे आपने इसको। यहाँ पर एम्प्टी सर्कल है, दैट मीन्स 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, 0 पर डिफाइंड ही नहीं है। जिस पर डिफाइंड नहीं है, चाहे लेफ्ट हो जाए चाहे राइट डिफाइंड हो जाए, बट उस पर खुद पे डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता ना वहां पर। अब यहाँ पर एक तरीके से पेन छोड़ के यहाँ से ही ड्रॉ किया गया है, तो ये भी डिसकंटिन्यूस है और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ देखो गौर से, तो यहाँ पर 0 पर 0 वैल्यू है, फिर इस पे ड्रॉ किया गया, ये आपका स्टेप फंक्शन याद आ गया। यहाँ पर नहीं है, फिर आगे ड्रॉ किया गया, यहाँ पर फिर आगे, तो हर इंटीजर वैल्यू पे उठाया गया पेन को, फिर आगे बढ़ा गया। ठीक है, तो यह डिसकंटिन्यूस है और इसकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट क्या है, ऑल इंटीजर्स, जो आपको याद रखना भी होता है बेटा। स्टेप फंक्शन आपका ऑल इंटीजर्स पर डिसकंटिन्यूस है। यस, इस पे देखो, तो इसको ड्रॉ किया और फिर ये सीधा भी ड्रॉ किया, बेशक कर्व है यहाँ, यहाँ स्ट्रेट है, बट बिल्कुल एक ही बार रखकर हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं हाथ उठाने की। तो बिल्कुल ये कंटिन्यूस है, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा जाए आपसे। यस, यहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा है बेटा, 0 पर 0 डिफाइंड है बट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट सेम नहीं है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0 पर। यहाँ पर 2 पर वैल्यू 3 है बट 2 के राइट से आपको पेन उठाना पड़ा। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 2। यहाँ मैंने आपको फंक्शन भी दे रखे हैं बेटा, आप खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। यस, यहाँ पर 1.5 पर पेन उठाया गया, दूसरी जगह ले जाया गया, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल टू 1.5 पर। जो मैंने ग्राफ ड्रॉ करके बनाया हुआ है, मैंने वो भी आपको एग्जांपल दे दिया है साथ में, आप खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये आपने ग्राफ यहाँ तक बनाया, फिर इसके बाद यहाँ से पेन उठा के बनाया, तो ये भी इस पॉइंट पर जो कि x इक्वल टू 3 है उस पर डिसकंटिन्यूस है। ओके, तो ग्राफिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और 1 मार्क में बिल्कुल पूछा जा सकता है बेटा, इसलिए सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। यस, नेक्स्ट आता है बेटा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। हमने फर्स्ट प्रिंसिपल किया था बेटा 11th क्लास में ही, बस उसी की फॉर्म है ये। dy/dx जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, dy/dx हम इसी को कहते थे बेटा। और ये है एक्चुअली, अगर हम लिखेंगे, हम कह रहे हैं स्मॉल चेंज y और y है fx, तो दैट इज f(x + ΔX - f(x)). ठीक है, स्मॉल चेंज इन x क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर हम एस सच काउंट करेंगे। इस पर डिपेंड होगा चेंज इन y क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो f(x + ΔX - f(x)/ΔX एज ΔX टेंड्स टू 0, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ये वही जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल किया था बेटा, बस वहाँ ΔX हम h लिख देते थे, लिख सकते हैं अभी भी, बट आपको कई बुक्स में ये भी मिलेगा, इसलिए मैंने ये नोटेशन भी आपको रिकॉल कराने की कोशिश की है। चलिए, फिजिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है बेटा। डेरिवेटिव का फिजिकल मीनिंग क्या है कि जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि वहां पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये देखिए, ये एक कर्व ड्रॉ हुआ है, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो इस पर एक सिंगल यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा। जबकि एक ये दूसरा कर्व है, देखिए इस पर बात कर रहे हैं हम, इस पर तो आप जितने मर्जी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, देख रहे हैं यहाँ 3 ही बना रखे हैं मैंने, एक से ज्यादा हो गए, तो यूनिक टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो फिजिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन का? डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द यूनिक टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। स्लोप उसका रिप्रेजेंट करता है, उसकी स्टिफनेस रिप्रेजेंट करता है कि वो कितना, उसका झुकाव है एक तरीके से टेंजेंट का। स्लोप हम डिटेल में बात कर चुके हैं बेटा। ओके, चलिए, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये हम बात कर ही चुके हैं बेटा, इसी की चेंज फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, यस, ये आप ध्यान रखेंगे। हमने डेरिवेटिव डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करना सीखा था, बट एट ए पॉइंट लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट राइट डेरिवेटिव की बात हमने नहीं की थी। जबकि लिमिट अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव की बात हो सकती है। तो अब उस टर्म में आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है बेटा। किसी भी फंक्शन y = f(x) का डेरिवेटिव एट x = a एग्जिस्ट करेगा अगर उसका लेफ्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट = राइट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट = सिंगल वैल्यू है। लेफ्ट डेरिवेटिव को हम L(f')a, आपको ध्यान है बेटा, y = f(x) फंक्शन है, तो इसकी y', y1, f', ये सारी नोटेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव की। ठीक है, तो L(f')a मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव एट a, R(f')a मीन्स राइट डेरिवेटिव एट a, ये दोनों इक्वल हो किसी एक वैल्यू के। ओके, और इसको हम चेंज फॉर्म में ध्यान रखेंगे, f(x - fa)/x - a। a पर बात कर रहे हैं बेटा, तो a + h, a - h, उसकी बजाय हम x ये पुट कर रहे हैं, f(x - fa)/x - a। और अगर उसी से आप ध्यान रखना चाहो, आप इसी वाली डेफिनेशन से ध्यान रखना चाहो जो हमने की हुई है ऑलरेडी, इससे ध्यान रखो, तो x की जगह a - h पुट किया तो a - h - a - h रह जाएगा। यहाँ बेसिकली मैं कहती हूँ, इसीलिए मैं पहले बीच में ये बता देती हूँ, ये -h बहुत गड़बड़ करते हैं बेटा बच्चे, माइनस स्किप हो जाता है। ध्यान रखिए, f(a + h - fa)/h, ये आपने फर्स्ट प्रिंसिपल वैसे भी याद रखा हुआ है, ये इटसेल्फ राइट डेरिवेटिव है। a - h रखते हैं अगर आप a की जगह, मतलब राइट से अप्रोच करते हैं उस फंक्शन को, तो नीचे -h आना है, बस इतना ये ध्यान रखो बेटा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है जो बच्चे करते हैं, इसलिए मैं बीच वाला स्टेप समझाती हूँ, नहीं तो आप कोई नहीं उसमें नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट फर्स्ट प्रिंसिपल जो 11 से याद किया हुआ उसी से ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम कहेंगे f'(a) = d है, लेफ्ट डेरिवेटिव एट राइट डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव की डिफरेंट नोटेशंस बेटा, यस, dy भी लिख देते हैं कई जगह, लेकिन बहुत रेयर जगह। चलिए, अब इस फंक्शन की जैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है हमने, एट x = 1, f(x = x) है इफ x < 1 है, x² है इफ x < 1 है। अब लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करना है हमने, तो f(1 - h - f1 / h) ये कंसीडर करना है बेटा। लेफ्ट के लिए वैल्यू x, तो x की जगह 1 - h रखना है हमने, और f(1) पर वैल्यू 1 है। (-h) 1 से 1 कैंसिल हो गया, -h/-h दैट मींस 1, और 1 कांस्टेंट है खुद, h टेंड्स टू 0 का कोई इफेक्ट नहीं, 1 आएगा। ठीक है, नाउ राइट लिमिट के लिए 1 + h माइनस f1 अपॉन h, ये आपने 1 - h 1 + h ध्यान रखना है बेटा। एफ ऑफ 1 + h x ग्रेटर देन 1 से डिफाइंड होगा, एक्स स्क्वायर इसमें पुट किया 1 + h होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा सिर्फ एच स्क्वायर प्लस 2h डिवाइडेड बाई h। इसको भी h कॉमन ले लीजिए या सेपरेट कर दीजिए, h प्लस 2 रह जाएगा हमारा। h प्लस 2 में लिमिट हमने रख दी टेंड्स टू 0 तो 2 आ गई। लेफ्ट डेरिवेटिव आया 1, राइट डेरिवेटिव आया 2, दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके तो इस ढंग से लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव निकालना है। अगर हमसे पूछा जाएगा मॉडुलस x, मॉडुलस x बेटा स्पेशल फंक्शन है जिसको हम स्पेशल कैटेगरी में याद भी रखते हैं। चलिए पहले चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। मॉडुलस x क्या होता है बेटा, पहले उसकी डेफिनेशन ध्यान रखिए। मॉडुलस x इज x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, याद रखना। अगर पॉजिटिव है तो एस एच लेना है, नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव लेना है क्योंकि पॉजिटिव बनाना है हर हाल में, ठीक है। टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 क्या करेंगे, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट डेरिवेटिव स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपने याद किया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 - h, क्योंकि 0 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 0 - h माइनस f0 अपॉन -h। ये -h बार बार कह रही हूँ, ये -h ये गड़बड़ होती है बेटा सबसे ज्यादा बच्चों से। माइनस ऑफ 0 - h, क्योंकि 0 - h मतलब 0 के लेफ्ट में ये डेफिनेशन है, माइनस ऑफ 0 - h हो जाएगा, 0 - h रखना है, दैट विल बी h अपॉन -h -1 हो गया, लिमिट -1 हो गई, दैट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव -1 हो गया। राइट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ 0 + h, राइट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। अब राइट में फंक्शन की डेफिनेशन है x, तो उसमें पुट किया 0 + h माइनस 0 अपॉन h, h अपॉन h 1, इसकी लिमिट 1, तो लेफ्ट डेरिवेटिव -1 राइट डेरिवेटिव 1, तो दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है एक जगह। अभी मैं जब आगे डिफाइन करवाती हूँ आपको तब बात करती हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 कर रहे हैं, तो 1 के लेफ्ट और राइट दोनों में बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा अगर x लाई करता है a और a + 1 के बीच में, a के इक्वल भी हो, ठीक है, सिंपली ये जहाँ a कोई इंटीजर है तो इसकी वैल्यू a होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू a होती है, जो हम यहाँ पर अभी डिफाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि 1 के लेफ्ट राइट में देखना चाहते हैं। तो 1 के लेफ्ट में 0 से 1 के वाली रेंज आ गई, उसमें 0 होगी फंक्शन की वैल्यू, और 1 के राइट में 1 और 2 की रेंज आ गई, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो 1 के लेफ्ट में 0, 1 के राइट में 1, सीधा कांस्टेंट फंक्शन। आप देखते ही वैसे समझ रहे होंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला, बट लिखने का ढंग ही बेटा मेन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रॉपर पूछा है कि चेक करिए, ठीक है, 1 मार्क्स में तो ठीक है, आप क्विकली गेस कर सकते हैं, और रादर हम याद ही रखते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर्स पर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी वही चेक कर रहे हैं हम। लेफ्ट डेरिवेटिव एट 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 - h माइनस f1 अपॉन -h, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी। 1 के लेफ्ट में हमने फंक्शन किया 0, ठीक है, -1 अपॉन -h, दैट मीन्स 1 अपॉन h हो गया। अब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो गया बेटा, ठीक है, जिसको नो डाउट हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए राइट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ 1 + h माइनस f1 अपॉन h, 1 + h 1 के राइट में 1 है वैल्यू, 1 - 1 अपॉन h 0 अपॉन h, h टेंड्स टू 0 है, h एग्जैक्टली 0 नहीं है तो 0 अपॉन h को मैं 0 कह सकती हूँ बेटा, नॉन 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 0, ये नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, दैट मीन्स f(x) नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ऐसे ही किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पर आप चेक कर सकते हैं बेटा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो कंटिन्यूस है इंटीजर्स पर, ना डिफरेंशिएबल है। Yes, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x+2। ठीक है, इसका डोमेन क्या हो गया बेटा, कंप्लीट रियल नंबर सेट। तो हम जनरल किसी भी रियल नंबर के लिए चेक कर लें। लेफ्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ अपॉन माइनस एच की लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए माइनस एच दैट मीन्स 3 ऑफ a माइनस एच प्लस 2 और एफ ऑफ ए 3a प्लस 2। अब इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करें, 3a माइनस 3h प्लस 2 माइनस 3a माइनस 2, तो 3a कट गया, 2 कट गया, सिर्फ माइनस 3h रह गया, अपॉन में माइनस h है तो ये 3 रह गया, 3 लिमिट हो गई। ठीक है, राइट डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड डेफिनेशन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच की लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब सेम में हमने ए प्लस एच रखना है, तो 3 इंटू a प्लस एच प्लस 2। एफ ऑफ ए मतलब इसी में हमने ए रखना है, 3a प्लस 2। इसको भी ब्रैकेट ओपन किया है, 3a प्लस 3h प्लस 2 माइनस 3a माइनस 2, माइनस 2 कैंसल, 3a कैंसल, 3h अपॉन h इज 3, अगेन लिमिट 3। तो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों 3 के इक्वल हैं, तो फंक्शन के डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a 3 हो गया। ठीक है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ओके, सिंपल। बुक में आपको कम प्रैक्टिस मिलती है बेटा लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव की, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। यस, ये मैं रिजल्ट बात कर रही थी बेटा, जिसमें आपको देखना होता है एग्जाम्पल 1। चलिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका तो हम प्रूफ दे सकते हैं बेटा, बट नॉट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। इसके लिए जो एग्जाम्पल देते हैं ना बेटा हम ज़्यादातर, वो हम मॉडुलस फंक्शन से लेते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा इसका प्रूफ के। चलिए, चांसेस कम होते हैं बेटा, बट बिल्कुल एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने एफ एक्स माइनस एफ ए फंक्शन कंसिडर किया, इसको एक्स माइनस ए से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ लिमिट ली बेटा, तो ये लिमिट तो हो गई एफ डैश ए, और ये आप पुट करेंगे तो लिमिट हो गई 0, तो राइट साइड 0 हो गई। और इधर लेफ्ट साइड में अगर हम अलजेब्रा यूज कर ले लिमिट्स का, लिमिट ऑफ एफ एक्स और लिमिट ऑफ एफ ए, ये तो एफ ए रह जाएगी, तो राइट में 0 है, इसको भी हम राइट में लाएंगे तो एफ ए, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए एफ ए हो गई। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। अब एग्जाम्पल, जो मेन बात कर रही थी मैं, बिल्कुल ये एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मॉडुलस एक्स। अभी हमने चेक किया बेटा, उसे कंटिन्यूटी भी चेक की, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक की, तो कंटिन्यूस होता है ये, बिल्कुल मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, इसे हम बात कर चुके हैं, बट डिफरेंशिएबल नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता ये। तो आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे। रादर कोई दो पॉइंट पर एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसा एग्जाम्पल देना है बेटा बिल्कुल, तो भी हम इन्हीं को कंबाइन करते हैं। देखिए, मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 1, ये हमें क्लियर कट मेंटली पता है 0 और 1 दोनों पे डिफरेंशिएबल नहीं आने वाला। ठीक है, तो बस हम डेफिनेशन यूज करते हैं बेटा। चलिए, मैं इसका एक बार प्रूफ करा देती हूँ। ये तो ऊपर हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए स्किप कर दिया, आप गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा। मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन ये है बेटा, एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव। ठीक है, मॉडुलस एक्स माइनस 1 की भी इसी ढंग से लेते हैं हम। इफ एक्स माइनस 1 इज पॉजिटिव तब एक्स माइनस 1, दैट मीन्स एक्स माइनस 1 पॉजिटिव मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक्स माइनस 1 नेगेटिव दैट मीन्स एक्स लेस देन 1, तब 1 माइनस एक्स होती है इसका नेगेटिव। तो बस इसी को अप्लाई कर रहे हैं बेटा, इसी को अप्लाई कर रहे हैं। दिस विल बी जीरो 1, आप नंबर लाइन से शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाए। 0 के लेफ्ट में -x, 0 के राइट में x, 1 के लेफ्ट में 1 माइनस x, 1 के राइट में x माइनस 1। तो हम इसको जो ब्रेक करेंगे 0 और 1 पे ब्रेक करेंगे। 0 के लेफ्ट पे बात कर रहे हैं पहले, तो पहला फंक्शन है हमारा -x और दूसरा फंक्शन है 1 माइनस x, तो ये हो गया 1 माइनस 2x अल्टीमेटली। 0 के राइट में लेकिन 1 के लेफ्ट में है, तो 0 के राइट में तो पहला फंक्शन x हो गया, दूसरा फंक्शन 1 के लेफ्ट में है तो 1 माइनस x, वन माइनस एक्स प्लस एक्स, वन रह गया सिर्फ 0 और 1 के बीच में, और 1 के राइट में, 1 के राइट में 0 के भी राइट में हुआ तो वो x हो गया, 1 के राइट में x माइनस 1 हो गया 2x माइनस 1। तो जब आपको लगे, अगर इजिली थॉट नहीं हो रही तो नंबर लाइन बना के ऐसे सोच लीजिए बेटा, ठीक है। डोमेन कंप्लीट रियल नंबर लाइन है। कंटिन्यूटीज की अगर हम चेक करते हैं इस फंक्शन की, तो x लेस देन 0 के लिए पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। 0 और 1 के बीच में कांस्टेंट है, कंटिन्यूस होगा। x ग्रेटर देन 1 के लिए पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस होगा। तो थ्रू आउट कंटिन्यूस हो गया, एक्सेप्ट बात करेंगे हम 0 और 1 पे, ठीक है। 0 और 1 पे बात करनी पड़ेगी स्पेशली, क्योंकि उनके लेफ्ट राइट में अलग डेफिनेशन है। 0 के लेफ्ट में अगर डेफिनेशन बात करते हैं तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन 1 माइनस 2x है, यहाँ पर अभी यही निकाली हमने सिंप्लीफाई करके। 0 के लेफ्ट में 1 माइनस 2x, 0 और 1 के बीच में 1 और 1 के राइट में 2x माइनस 1, ये याद रखिए, इसको बार बार यूज करेंगे हम। लेफ्ट में 1 माइनस 2x, हमने लेफ्ट लिमिट लेनी है, h टेंड्स टू 0, x को चेंज कर दिया 0 माइनस h, तो ये बन गया बेटा 1 प्लस 2h, पॉलिनोमियल है, h टेंड्स टू 0 कर दिया 1। राइट में हम देख रहे हैं फंक्शन 1 था, उसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गए, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया 0 पर, और 1 वैल्यू हो गई लिमिट की, 1 पर कंटिन्यूटी। 1 के लेफ्ट में 1 ही है बेटा फंक्शन, 1 के राइट में आएंगे हम तो 2x माइनस 1, ये मिस्टेक है बेटा, 2x माइनस 1 यहाँ करेक्ट किया हुआ है, 2 into 1 plus h माइनस 1, दैट मीन्स 1 plus 2h हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। अब इसमें भी लिमिट रख देंगे तो 1 आ जाएगी, तो लेफ्ट और राइट यहाँ पर भी सेम आ गई बेटा, और फंक्शन की वैल्यू भी 1 ही है, तो कंटिन्यूस हो गया 1 पे। तो मॉडुलस का सम भी आपका एवरीवेयर कंटिन्यूस है, ठीक है, ये कंटिन्यूस आ गया अपने डोमेन में। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है बेटा। डिफरेंशिएबिलिटी सिंपल हम ये ढंग से भी कर सकते हैं बेटा, x लेस देन 0 के लिए f(x) 1 माइनस 2x है, तो f'(x) हमें अपनी मेथड से निकाल सकते हैं -2, f(x) 1 है तो उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं 0, x ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) 2x माइनस 1 है, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं 2, इजिली हम निकाल पा रहे हैं। बट 0 के क्योंकि लेफ्ट राइट में डेफिनेशन अलग है, 1 के लेफ्ट राइट में डेफिनेशन अलग है। अब 0 और 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं बेटा। 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, 0 माइनस h मतलब 0 के लेफ्ट में 1 माइनस 2x डेफिनेशन थी, 1 माइनस 2 0 माइनस h हो गया, 0 पर वैल्यू 1 थी, ठीक है। इसको हमने ओपन किया, सिंप्लीफाई किया, 2h आया, 2h अपॉन माइनस h माइनस 2, तो लेफ्ट डेरिवेटिव -2 हो गया, ठीक है। नाउ राइट डेरिवेटिव f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h मतलब राइट में 1 थी और f0 भी 1 था, तो 1 माइनस 1 0, 0 बाय h, h टेंड्स टू 0 मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है तो ये 0 हो गया बेटा, तो इसकी लिमिट 0। अब लेफ्ट डेरिवेटिव -2, राइट डेरिवेटिव 0, तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 0, ठीक है। और यही बात कर रहे थे हम 1 पर भी वैसे ही चेक करें, लेफ्ट डेरिवेटिव 1 पर f ऑफ 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, 1 माइनस h मतलब 1 के लेफ्ट में 1 है, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस h, अगेन वही बात आती है, h टेंड्स टू 0 नहीं है तो 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर 0। राइट डेरिवेटिव f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, h टेंड्स टू 0, h 1 के राइट में 2x माइनस 1 डेफिनेशन है, 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई किया बेटा 2h आया अपॉन h, दैट मीन्स 2 रह गया, तो राइट डेरिवेटिव 2, लेफ्ट डेरिवेटिव 0, राइट डेरिवेटिव 2, तो डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं है 1 पर लेफ्ट और राइट, तो 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके। तो मॉडुलस x अपॉन मॉडुलस x माइनस 1 प्लस ऐसा फंक्शन हो गया जो कंटिन्यूस है थ्रू आउट, लेकिन 2.0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल जब भी देने पड़ते हैं तो बेटा सिंपल मॉडुलस फंक्शन दे दीजिए। अगर मान लीजिए 3 पर ही पूछे, 3 पर ही करना हो, तो इसके साथ आप एक और मॉडुलस फंक्शन ऐसा जोड़ लीजिए, मॉडुलस x प्लस 1 या मॉडुलस x माइनस 2 कोई भी जोड़ लीजिए, ठीक है। चलिए डेरिवेटिव्स जो हमने फॉर्मूले याद किए हुए हैं 11 से, वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये बिल्कुल ये सारे हमारे इसी से थे, बेसिक फॉर्मूला ये है, बट हमें फ्रिक्वेंटली जो यूज करने हैं वो हम याद रखते हैं ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। किसके साथ माइनस है बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव sec square x, sec x का डेरिवेटिव sec x 10x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x square x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। आप एक तरीके से याद रखो तो को फैमिली के डेरिवेटिव में सब में नेगेटिव आता है, राइट। देखिए साइन में पॉजिटिव, 10 में पॉजिटिव, सेक में पॉजिटिव, लेकिन cos x माइनस साइन x, cot x माइनस cos x square x, cosec x माइनस cos x x cot x। तो ये माइनस जो गलती होती है वो हट जाएगी। आप ध्यान रखिए को फैमिली के डेरिवेटिव में माइनस आता है, ठीक है। ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, लेकिन ए पावर एक्स का डेरिवेटिव ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए विथ बेस ई, ठीक है। ये ध्यान रखिए बेटा, ये फॉर्मूले के बेस ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आ सकते, बच्चे इसको याद नहीं रखते बेटा जनरली, जबकि इसके बेस भी क्वेश्चन आ सकते हैं। log x विद बेस e उसका डेरिवेटिव 1/x है, बट log x विद अनदर बेस एनी अदर बेस विल बी 1/x इनटू log ऑफ a। जैसे यहाँ हम ये ax के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिए फॉर्मूलों को, ये यूज होने हैं बार बार डेरिवेटिव्स में। यस, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स भी जो 11th में ही कर लिया था हमने, इसको भी रिकॉल कर लें। सम ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव बात कर रहे हैं तो बेटा डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। सिंपल टर्म्स में ध्यान रखिए, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। मैंने डैश फॉर्म में भी लिख दिया था क्योंकि कई बच्चे इससे याद रखना चाहते हैं, इससे नहीं रखना चाहते। आपके विषय जिससे भी याद रखो, फॉर्मूले सेम है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल ध्यान रखिए बिल्कुल, दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं, एक फंक्शन कोई भी एज सच लेना है, दूसरे का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस पहला फंक्शन एज सच छोड़ दें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। एक बार में एक का लेना, लेकिन बीच में प्लस है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसका ले रहे हैं, ये नहीं कि दूसरे का नहीं लेना, दोनों को एक बार नहीं लेना बेटा, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है। और नेचुरली ये मिस्टेक उन बच्चों की होती है जो पूरे साल नहीं पढ़ते, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। आपका डेरिवेटिव प्रोडक्ट पे लगाना है तो एक बार में एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे को एज सच मल्टीप्लाई करना है, ओके। क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल में जो सबसे मेन मिस्टेक होती है बेटा, ये नीचे का स्क्वायर भूल जाते हैं, ठीक है। और ऊपर ध्यान रखिए, प्रोडक्ट रूल में क्योंकि प्लस आता है कोई फर्क नहीं पड़ता किसका डेरिवेटिव पहले लेते हो, लेकिन क्वोशंट रूल में आपका सबसे पहले न्यूमैरेटर का ही डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि दूसरे के साथ नेगेटिव आना है, दूसरे को सबट्रैक्ट करना है आपने। तो ध्यान रखिए, न्यूमैरेटर का डेरिवेटिव इनटू डेनोमिनेटर माइनस न्यूमैरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर स्क्वायर। आपको ध्यान हो तो मैं कैलकुलेशन में इसलिए सबसे पहले डेनोमिनेटर स्क्वायर लिखवा देती हूँ, बाकी आपको ये करवाती हूँ क्योंकि ये भूल जाते हैं बेटा बहुत से बच्चे। मेरी चेकिंग का एक्सपीरियंस यही बताता है, ये बिल्कुल स्किप कर देते हैं कई बच्चे। चलिए, सम कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, इसका डेरिवेटिव लेना है तो कांस्टेंट हम बिल्कुल फंक्शन से बाहर ले सकते हैं बेटा, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चेन रूल बेटा, चेन रूल जिसको यूज करने में सबसे ज्यादा गलती करते हैं बच्चे बेटा, आप देखिए इसको इंडिपेंडेंटली, यहाँ देखिए समझिए, फंक्शन f x का नहीं है, g का है, किसी और फंक्शन का है, हमने कैलकुलेट करना है f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये x का फंक्शन तो है नहीं, g का है, तो सिंपली याद रखिए बेटा जिसका भी ये है उसके विद रिस्पेक्ट करना है हमने इसे, सेम फॉर्मूले यूज हो जाएंगे जो भी हमने रिवाइज किए हैं, ठीक है, इनटू उस फंक्शन को फिर विद रिस्पेक्ट टू x करना है। और बाय चांस g भी किसी और फंक्शन का है तो इसको भी फिर उसके विद रिस्पेक्ट करेंगे, उसको फिर x करेंगे। हम ये जो हमने फॉर्मूले याद किए ना बेटा, इसमें ध्यान रखिए बिल्कुल, देखिए मैं अगर कहती हूँ y इजक्ल टू एक्स पावर n है, मुझे y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास y जो है वो मान लो साइन एक्स पावर n है, ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगी n इंटू साइन एक्स पावर n माइनस वन, लेकिन मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं क्या करूंगी, इसका डेरिवेटिव लिया पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिंपल ये काम करते हैं बेटा। विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स अभी मैंने निकाला n इंटू साइन एक्स पावर n माइनस वन, और साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x कॉस एक्स। ओके, तो सिंपल टर्म्स में अपने याद रखिए बेटा कि अगर कोई फंक्शन एक्स का नहीं है, किसी और फंक्शन का है, तो हमेशा मैं पहले उस फंक्शन को उस फंक्शन के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करूंगी, फिर एक्स के विद रिस्पेक्ट करके मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल यूज होगा बेटा। साइन एक्स एज सच लॉग एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स एज सच साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा जो ध्यान रखने की बात है बेटा, दिस इक्वल टू दिस लिख देते हैं बेटे, बस ये गड़बड़। फंक्शन उसके डेरिवेटिव के इक्वल थोड़ी ना, आपने प्रॉपर वे करनी है, या तो डेरिवेटिव ऑफ दिस लिखिए इक्वल टू दिस, या इसको वाई ले लीजिए फिर dy बाई डी एक्स निकालिए। थोड़ा लिखे भी ठीक, आपका लिखते लिखते ही सेंस गलत चल जाती है, फंक्शन को उसके डेरिवेटिव के इक्वल लिख देते हैं बेटा बहुत से बच्चे। चलिए e x प्लस वन होल पावर टू, अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला हमें याद है, जबकि यहाँ x की जगह e x प्लस वन है। तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, पहले विद रिस्पेक्ट टू e x प्लस वन डिफ्रेंशिएट करूंगी, फिर e x प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करूंगी। तो सिंपली अगर हम कहें तो ई एक्स प्लस वन को यू लिख देते हैं, यू ई एक्स प्लस वन है। तो वाई लिया हमने इस पूरे फंक्शन को, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, वाई हो गया यू का फंक्शन, तो डी वाई बाई डी यू निकालना है पहले, डी यू बाई डी एक्स निकाल के मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डी वाई बाई डी यू निकालना है बेटा, तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू यू डिफ्रेंशिएट करना है, वो टू यू आ गया। ठीक है, फिर यू ई एक्स प्लस वन है, एक्स का फंक्शन है, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, वन का डेरिवेटिव जीरो, और ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं। यू अब बेशक वापस पुट कर दीजिए, यू हमारा क्या था, ई एक्स प्लस वन, टू टाइम्स यू टाइम्स ई एक्स था, टू यू हमने पुट कर दिया, ई एक्स हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यस डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बेटा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, सिंपल टर्म्स में समझे, अगर हम y को x की टर्म्स में या x को y के टर्म्स में इजिली लिख पा रहे हैं बेटा, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, अगर नहीं लिख पा रहे तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा, जस्ट सी, ये हमारा जैसे ये फंक्शन है, यहाँ y को मैं लिख सकती हूँ टू माइनस एक्स, इनफैक्ट x को भी लिखना चाहूँ, बट क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं तो हम y पर ही जोर देंगे, y x में एक्सप्रेस हो जाए। यहाँ एग्जांपल देखिए, यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ y को x में नहीं लिख सकती, y प्लस साइन का है ना, नहीं लिख सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब ऐसे में हम कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए ये है जैसे एग्जाम्पल सिंपल ले रही हूँ, इसमें हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, और ये यहाँ पर हम y को x के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो सिंपली बेटा थ्रू आउट डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 2x को विद रिस्पेक्ट टू x किया, प्लस 3y को विद रिस्पेक्ट टू x किया, इक्वल टू साइन वाई को विद रिस्पेक्ट टू x किया, एलजेब्रा यूज किया हमने लेफ्ट में। 2x को करना है 2 इंटू x का डेरिवेटिव वन, 3y को करना है 3 इंटू वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स, राइट। और साइन y का विद रिस्पेक्ट टू x करने के लिए चेन रूल यूज होगा बेटा, चेन रूल यूज करेंगे, साइन y को विद रिस्पेक्ट टू y किया cos y, फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x। ये स्टेप आप मेन ध्यान रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, साइन y y का फंक्शन है, हमने करना विद रिस्पेक्ट टू x है, तो साइन y को पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया cos y आ गया, सेम फॉर्मूला स्टैंडर्ड जो हम याद रखा हुआ है, और फिर y को विद रिस्पेक्ट टू x करके मल्टीप्लाई। अब सिंपल एक लीनियर इक्वेशन की तरह हो जाता है बेटा, जिसमें dy बाई डी एक्स हमने निकाला है, तो dy बाई डी एक्स की सभी टर्म्स एक तरफ ले जाइए, जो बाकी रह गई हैं वो टर्म्स एक तरफ ले जाइए। लेफ्ट में हम dy बाई डी एक्स की टर्म ले आ जाते हैं, और राइट में हम बाकी टर्म ले आए माइनस टू। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू 3 माइनस कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया इन दोनों से, माइनस 2 के इक्वल, और इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस वाई, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का आपने डेरिवेटिव निकालना सीखना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके और चेन रूल यूज करके। यस, इसको यूज करके हमने ये फॉर्मूले डिराइव किए थे बेटा, इनको भी याद रख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का इसी का नेगेटिव। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का इसी का नेगेटिव। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉस सेक इनवर्स एक्स का इसी का नेगेटिव। तो 3 आपने याद करने हैं, 3 आपने ध्यान रखने हैं, इनका नेगेटिव। यस, प्रूफ्स इसके दिए हुए हैं बेटा, एक बार रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि इम्प्लिसिट के क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ये भी पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, इनवर्स की डेफिनेशन ले तो x इक्वल टू साइन y हो गया। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें बेटा, x का डेरिवेटिव 1, साइन y का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू x है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा पहले, चेन रूल, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा सिंपली 1 अपॉन कॉस वाई। कॉस वाई को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, एंड साइन वाई है एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, इसी तरीके से आप बाकी चेक कर सकते हैं, मैं इसमें टाइम नहीं लगाना चाहूंगी, वही बेटा वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, बट ये फॉर्मूले याद रखिए। चलिए, यस, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, मैं कह सकती हूँ बेटा ये कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत अच्छे से रिवाइज करिए बेटा, इनमें एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के लिए हमें लॉग के रिजल्ट चाहिए होंगे, वो रिकॉल कर लेते हैं बेटा। लॉग ऑफ ए इंटू बी इज लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ऑफ ए पावर एम इज एम इंटू लॉग ए। और जो जनरली गलती कर देते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस बी कोई रिजल्ट नहीं है बेटा, ये लॉग ऑफ ए माइनस बी कोई रिजल्ट नहीं है, प्लीज ध्यान रखिए, ये बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी गलती कर जाते हैं जल्दी में, आई डोंट नो कैसे कर जाते हैं। चलिए, ये हमें कुछ लॉग के छोटे छोटे रिजल्ट भी यूज होंगे क्वेश्चंस में। लॉग 1 0 होता है बेटा, ई पावर बेस ई में चल रहे हैं बेटा हम, नेचुरल लॉगरिदम है सारा हमारे कोर्स में। लॉग ई 1 होता है, इसका रीजन आपको पता है बट मेन यूज जो करना है वो ध्यान रखिए। लॉग ऑफ ई पावर एक्स एक्स होता है, ई पावर लॉग एक्स एक्स होता है, आप ये सिंपली ध्यान रख सकते हो। लॉग ऑफ ई पावर एनी फंक्शन वो फंक्शन ही होता है जो हमें ज्यादातर यूज करना है, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स को एल एन एक्स भी कई जगह आपको मिलेगा, तो अगर पेपर में वो लिखा है तो कंफ्यूज मत होइए। ये तो log x की डेफिनेशन रिकॉल करवाई हुई है बेटा, a पावर x अगर b है तो दैट मीन्स log ऑफ b विद बेस a x है, अदरवाइज ये मेन 3 रिजल्ट आपके यूज होने वाले हैं यहाँ पर, तो आपको याद होने चाहिए। चलिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए डिफरेंट टाइप के, रैशनल एक्सप्रेशन आ जाए डिफरेंट फंक्शंस का, फंक्शन की पावर फंक्शन हो, दो फंक्शन के प्रोडक्ट की पावर फंक्शन हो, फंक्शन की पावर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन की पावर फंक्शन हो, ठीक है। तो ऐसे में हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये भी डिफरेंट टाइप्स आप एग्जांपल से ही बेटर समझ लेंगे बेटा। एक्स वाई में बेस एक्सप्रेशन भी हो, एक्स में बेस वाई पावर में हो, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन अलग अलग हो, उनमें भी हम अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करते कैसे हैं, इसके लिए हम सीधा एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखिए, x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टैन एक्स, 4 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो एक का डेरिवेटिव बाकी सब ऐसा प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, ये करते जाओगे 4 बार, तो इससे बेटर होता है बेटा इसमें लॉग लगाना। हमने क्या किया, मेथड क्या है, सबसे पहला स्टेप लॉग लेते हैं दोनों तरफ। लॉग लिया, लेफ्ट में हो गया लॉग वाई, राइट में हो गया लॉग ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन, और अभी हमने रिजल्ट किया बेटा लॉग ऑफ ए बी लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो ये 4 फंक्शंस पे हमने लॉग लगाया, तो लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस लॉग ऑफ थर्ड फंक्शन प्लस लॉग ऑफ फोर्थ फंक्शन, ये ठीक है, ये रिजल्ट यूज किया। तो लॉग अप्लाई कर दिया हमने, फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करना है दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मेन दो ही स्टेप्स है बेटा, बट इसमें भी कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए लॉग जब अप्लाई करते हैं बेटा तो राइट में लॉग लग का फॉर्मूला लग रहा होता है, लेफ्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। कैसे बेटा, अभी तो लॉग का फॉर्मूला ही यूज कर रहे हैं हम, डिफ्रेंशिएट तो नेक्स्ट स्टेप में होगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट करते हुए आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर चेन रूल यूज होना है। y का फंक्शन है, हमने करना विद रिस्पेक्ट टू x है, तो y log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल यूज हुआ, ठीक है। log x का डेरिवेटिव सिंपली 1 बाय x, log ऑफ log x अगेन चेन रूल यूज होगा बेटा, क्योंकि इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू log x करोगे 1 बाय log x, फिर log x को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1 बाय x, ओके। log ऑफ साइन एक्स भी चेन रूल यूज होगा, 1 अपॉन साइन एक्स पहले विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स करेंगे, फिर साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया कॉस एक्स, मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। log ऑफ 10x अगेन चेन रूल यूज होगा, 1 अपॉन 10x, log ऑफ 10x का विद रिस्पेक्ट टू 10x जो फंक्शन है उसी के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज होना है बेटा, 1 अपॉन 10x, फिर 10x का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, ओके। तो अब आपका आ जाता है बेटा ये y इधर ले जाके मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, इसको भी 1 अपॉन टेन एक्स को हम कॉट एक्स लिख सकते हैं, सेक्स स्क्वायर एक्स, वाई जो था उसे वापस पुट कर दीजिए, ये पूरा हमारा डेरिवेटिव आ गया, ओके, सिंपल निकल गया। तो ऐसे यूज करते हैं बेटा हम लॉग को। चलिए x पावर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो एज सच हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और एज सच इसे फॉर्मूला भी याद रख सकते हो बेटा, बार बार यूज होगा। दोनों तरफ लॉग लिया, पहला स्टेप यही करना है, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स, हमें पता है लॉग ऑफ ए पावर एम इज एम इंटू लॉग ए, तो एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया बेटा, दो का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आई होप आप हैबिट पड़ जानी चाहिए, विथ चेन रूल वाई के विद रिस्पेक्ट किया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। x इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल यूज किया बेटा, x का डेरिवेटिव 1 लॉग एक्स एस सच प्लस x एस सच लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ये x x कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये log x है, y को हमने राइट में ले आए, y इंटू लॉग एक्स प्लस 1 हो गया, y को वापस पुट कर दीजिए x पावर x, और यही कह रही हूँ आप याद रख सकते हैं एस सच फॉर्मूला, y x पावर x है या x पावर x का डेरिवेटिव याद रखिए, x पावर x इज 1 प्लस लॉग एक्स, ओके, यूज होगा ये बेटा, यस। एक्स पावर साइन एक्स, एक्स पावर साइन एक्स सेम ढंग से यूज करना है बेटा, वाई से हमने एज्यूम कर लिया, लॉगरिदम लेना है सबसे पहले, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस एक्सप्रेशन, वही हमने यूज करना है बेटा, लॉग ऑफ ए पावर एम इज एम लॉग ए, तो यहाँ यूज किया हुआ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ओके। नेक्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएशन, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, log y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 बाय y और y का विद रिस्पेक्ट टू x चेन रूल यूज किया, ठीक है। sin x इंटू लॉग एक्स प्रोडक्ट रूल, sin x एज सच लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, sin x का डेरिवेटिव cos x log x एज सच, ओके। y को राइट में ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, y इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, y को वापस पुट कर दिया x पावर साइन एक्स, ये हमारा आंसर है, ओके। सिर्फ सुन के मत रहिएगा, फिर से कह रही हूँ बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इम्पॉर्टेंट है आपका सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जरूर आता है इसमें क्वेश्चन। लॉग एक्स पावर कॉस एक्स, लॉगरिदम लिया, लॉग वाई इक्वल टू फॉर्मूला यूज किया कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, यहाँ पर बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं बेटा, बेस में लॉग एक्स है तो लॉग ऑफ लॉग एक्स ध्यान रखिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया, लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, आई होप अभी तक हैबिट पड़ गई होगी, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्रोडक्ट रूल यूज होगा, एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स एज सच प्लस cos x एज सच log ऑफ log x में चेन रूल बेटा, चेन रूल पहले log x के विद रिस्पेक्ट टू होगा 1 अपॉन log x, ठीक है, देन log x का होगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x, ठीक है। इसको हम सिंपल कर देंगे, y हम राइट में ले आए, log x पावर cos x माइनस साइन x log ऑफ log x और ये हो गया cos x अपॉन एक्स लॉग। ओके, बस पीसफुली करिए बेटा, एक एक स्टेप गौर से देखिए, कहाँ मल्टीप्लीकेशन है, कहाँ डिवीजन है, कहाँ कोशेंट है, कहाँ चेन रूल यूज होना है, कहाँ प्रोडक्ट या कोशेंट रूल यूज होना है, बहुत गौर से देखिए। ठीक है, यस, ये बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। चलिए, y इजक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस एक्सप्रेशन। आप देख रहे हैं रैशनल एक्सप्रेशन है, 2 का प्रोडक्ट न्यूमैरेटर में, 3 का प्रोडक्ट डेनोमिनेटर में, तो इसको हम लिखते हैं बेटा पावर हाफ में। ठीक है, 60 हमें पावर्स में लिखना आता है, nth पावर 1/n। टेकिंग लॉगरिथमिक ऑफ बोथ साइड, लॉग वाई हो गया लेफ्ट में और राइट में बेटा ये रिजल्ट यूज हुआ पहले, हाफ पावर बाहर लॉग ऑफ होल दिस एक्सप्रेशन, फिर ये दोनों रिजल्ट यूज हुए, ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी, और फिर ए बी का इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। सिंपली मैं कहूंगी आप एक ही बार में करना चाहते हैं तो लॉग ऑफ न्यूमैरेटर में जो जो है फैक्टर्स उनका प्लस करते जाइए और डेनोमिनेटर में जो है उन्हें माइनस करते जाइए। ठीक है, तो log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 न्यूमैरेटर में, अब डेनोमिनेटर में आ गए माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5। सिंपल, ब्रैकेट में रखा है हमने बेटा, हाफ बाहर ही रखा है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको थ्रू आउट। जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लेफ्ट में चेन रूल यूज हुआ, log y का डेरिवेटिव 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट में हाफ एज सच है, log ऑफ x माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बेटा हमारा 1 बाई एक्स। आपको मैंने समझाया हुआ है ये एक्स प्लस माइनस ए में भी जब रूल यूज करोगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस ए सेम रूल यूज होंगे, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, किसी से भी आपने डिवाइड नहीं करना। लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस 1, लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 का 1 अपॉन एक्स माइनस 2, लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 का 1 अपॉन एक्स माइनस 3, ध्यान रखिए बाहर माइनस है, log ऑफ x माइनस 4 का 1 अपॉन एक्स माइनस 4, लॉग ऑफ x माइनस 5 का 1 अपॉन एक्स माइनस, हो गया सिंपल। बस ये y हम ले आए राइट में बेटा और y की वैल्यू रख दी, दिस विल बी द आंसर। ओके, चलिए अब आते हैं बेटा एक्सप्रेशन जिनमें इस तरीके से प्लस है बीच में, सम फंक्शन पावर फंक्शन प्लस सम अनदर फंक्शन पावर अनदर फंक्शन प्लस माइनस, इनमें जो सीधा फटाफट लॉग लगा देते हैं बेटा वो गलती है। इसमें पहले स्टेप को आपने ध्यान रखना है बेटा, पहले स्टेप में इसमें इस फंक्शन को हम u ले लेते हैं और दूसरे को v ले लेते हैं। मैं इस पूरे होल को u प्लस वी लिख लेती हूँ, अंडरस्टूड है? ये पहले वाला u है, दूसरे वाला v है, वरना आप लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए, हमने लेना तो है ही। ठीक है, फिर एक एक में ये लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन करना है पूरा, u का भी डेरिवेटिव निकलेगा, v का भी डेरिवेटिव निकलेगा, और y का डेरिवेटिव करते हुए u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, जो 2 आप निकाल चुके होंगे उन्हें ऐड करना होगा। प्लीज ध्यान रखिए बेटा, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में आपको u प्लस v स्टार्टिंग में लेना है, सीधा लॉग नहीं लगता। लॉग ऑफ a प्लस b, ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसलिए बताया था, लॉग ऑफ a प्लस b कहीं कोई रिजल्ट नहीं है, लॉग ए प्लस लॉग बी है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं, प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, ये स्टेप आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसको u, इसको v लिया हमने, अब u अगेन पावर में फंक्शन है तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। लॉग लिया दोनों तरफ, लॉग u इजक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ दिस। ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, u का डेरिवेटिव log u का डेरिवेटिव सॉरी विद रिस्पेक्ट टू u 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी यू एक्स, चेन रूल। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1, दूसरा फंक्शन एज सच प्लस x एज सच, अब इसका डेरिवेटिव करते हुए भी चेन रूल, log ऑफ सम फंक्शन है तो 1 अपॉन दैट फंक्शन, और फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x के। ओके, नाउ यू ले आए राइट में, इनको सिंप्लीफाई किया बेटा, ये हमारा हो गया एक्स स्क्र प्लस 1 पावर में एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र, वो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1। ओके, तो ये डी यू बाई डी एक्स हो गया। नाउ वी हमने लिया था एक्स पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स को, तो जब इसको लॉग लेंगे, अगेन पावर में फंक्शन ही है, लॉग लेंगे, लॉग वी इज इक्वल टू ये पावर आ गया बाहर x प्लस 1/x लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ बेस। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट में 1/v dv बाई डी एक्स, राइट में x प्लस 1/x का डेरिवेटिव 1 - 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स एज सच प्लस x प्लस 1/x एज सच लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ओके, नाउ v जो लेफ्ट में था उसको राइट में ले गए हम, मल्टीप्लाई हुआ बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस ये आपका मल्टीप्लाई होके x इंटू 1/x प्लस 1/x इंटू 1/x के, ठीक है। इसको भी चाहे आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं, v को भी हमने वापस वैल्यू पुट कर दी, ये dv बाई डी एक्स आ गया। बस अब जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे बेटा, y को हमने u प्लस v लिया है तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, du बाई डी एक्स ये था, dv बाई डी एक्स ये था। ओके, ये लास्ट स्टेप भी कई बार पूरा करके भी बच्चे ये लास्ट स्टेप में गड़बड़ कर देते हैं बेटा, कंबाइन लिखते नहीं। आपसे इसका डेरिवेटिव पूछा था, जो स्टार्टिंग में u प्लस v आपने माना उसका डेरिवेटिव पूछा था, तो क्लियर कट उसको लिखिए लास्ट बेटा। ये अंडरस्टूड नहीं होगा कि आपने इन दोनों को ऐड करना है, आपको करके दिखाना होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल, यस दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। देखिए x पावर y इक्वल टू y पावर x। अब यहाँ इक्वालिटी है दो पावर के फंक्शंस की, तो यहाँ u v लेने के बजाय आई विल सजेस्ट आप सीधा लॉग ले सकते हो, ठीक है। u v भी लोगे तो u माइनस v इक्वल टू 0 आएगा, अल्टीमेटली du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आना है, तो फिर इक्वालिटी आनी है। तो आप ध्यान रखिए, इसको सीधा डिफ्रेंशिएट करिए और वहां से चेन रूल करके डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बीच में इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ फिर डील करेगी, ठीक है। तो वही कर रहे हैं, लॉगरिदम लिया दोनों तरफ, x पावर y में लॉगरिदम लगा y लॉग x हो गया, y पावर x में लॉगरिदम लगा x लॉग y हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी प्रोडक्ट, यहाँ भी प्रोडक्ट, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये ध्यान रखिए। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स लॉग एक्स एज सच प्लस y एज सच लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ओके, इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 लॉग y एज सच प्लस x एज सच लॉग y के डेरिवेटिव में चेन रूल, लॉग y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये मत भूलिए बेटा, ठीक है, इसको यहीं पर मिस्टेक होती है सबसे ज्यादा, कहाँ चेन रूल कहाँ प्रोडक्ट रूल, बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में रख के करिए बेटा। डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की ये दूसरी टर्म भी मैं लेफ्ट में ले आई, माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स थी वो सब टर्म्स राइट में, ठीक है, इसको मैं राइट में लाऊंगी, माइनस हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया और इससे डिवाइड किया, यहाँ बिल्कुल ये माइनस वाई अपॉन एक्स है, यहाँ एक्स अपॉन वाई है, तो बिल्कुल एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना चाहिए बेटा इसको। तो एलसीएम लिया, ये हो गया x log y माइनस वाई, यहाँ एलसीएम लिया y log x माइनस एक्स, वाई इंटू दिस एक्सप्रेशन, x इंटू दिस एक्सप्रेशन, ये सिंप्लीफाई करके हम आंसर दे सकते। ओके, तो मेन स्टेप यहाँ पर कि स्टार्टिंग में सीधा लॉग ले सकते हैं, वो ध्यान रखिए। यस, ये भी नेक्स्ट आपका, इसके लिए मैं थ्योरी नहीं पढ़ रही बेटा, एग्जाम्पल से ही मैं रिकॉल कराना चाहती हूँ सब कुछ। ये सब आपके पास नोट्स हैं साइट में, आप देख सकते हैं कभी भी। देखिए पीछे से डिफरेंट हो गया, ये पीछे क्या था, x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन x। आप अगर ऐसे लिखते हैं x अपॉन y, x पावर y माइनस y पावर x इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या है, x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1, तो यहाँ u v लोगे ही लोगे बेटा। यहाँ u v में रिलेशन आ गया u प्लस v इज इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा इन सब की प्रैक्टिस करिए बेटा, इसलिए आपको ये इतने एग्जाम्पल करा दिए मैंने। आई नो इसमें वेराइटी है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है बेटा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख लीजिए, हर टाइप का एग्जाम्पल खुद करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए u इज इक्वल टू एक्स पावर वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पहले लॉग वाई लेते हैं क्योंकि पावर में फंक्शन है, लॉगरिदम ही लेगा, लॉग ऑफ एक्स पावर वाई जिसको हम वाई लॉग एक्स लिख सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, 1 लॉग u का डेरिवेटिव 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल, बट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स log x एज सच प्लस y एज सच log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। यहाँ बार बार कह रही हूँ बेटे इन्हीं स्टेप्स में बस सबसे ज्यादा गलती होती है। कब प्रोडक्ट कब चेन बहुत केयरफुली लेके आइए, ठीक है। u राइट में ले गए डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स, यू को भी पुट कर दिया एक्स पावर वाई, ये डी यू बाई डी एक्स आ गया। नाउ वाई सॉरी v, v इज वाई पावर एक्स, अगेन लॉगरिदम लिया लॉग v इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई, अगेन डिफ्रेंशिएट किया, लेफ्ट में चेन रूल 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स, राइट में प्रोडक्ट रूल x का डेरिवेटिव 1 लॉग वाई एस सच प्लस एक्स एस सच लॉग वाई के डेरिवेटिव में चेन रूल 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू y करना पड़ रहा है पहले, फिर विद रिस्पेक्ट टू x। v को राइट में ले गए, v की वैल्यू पुट कर दी, ओके। नाउ जो हम स्टार्टिंग में निकाल चुके थे डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज जीरो, उसमें पुट कर दीजिए बेटा x पावर y इंटू दिस डी यू बाई डी एक्स जो हमने निकाला प्लस डी वी बाई डी एक्स जो हमने निकाला दिस, ओके, दिस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन हमने करनी है बेटा पूरी, dy बाई डी एक्स की टर्म्स हमने साथ में रखनी है। तो ये पहली टर्म में dy बाई डी एक्स है x पावर y log x, ये दूसरे इधर राइट में dy बाई डी एक्स है, इसमें y पावर x x अपॉन y, ठीक है। ये टर्म विदाउट dy बाई डी एक्स रह गई और y बाई एक्स इंटू एक्स पावर y ये विदाउट dy बाई डी एक्स रह गई, इसको राइट में ले आए और इसको डिवाइड कर, ठीक है। ये हमारा आंसर, ओके। तो यहाँ आई थिंक हम स्टॉप करते हैं लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन। काफी एग्जाम्पल हो गए बेटा, अपने आप गो थ्रू करिए, अपने आप करके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वैरायटी आपको करवा दी है। लेकिन अपने आप नहीं किया, सिर्फ सुन के रह गए तो कोई फायदा नहीं बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, पैरामीट्रिक फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रादर इसका सेकेंड डेरिवेटिव जो आपको बुक में प्रैक्टिस कम मिलती है बट मैंने आपको करवा रखी है और चलिए रिवाइज भी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, जब x और y दोनों को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता, किसी थर्ड वेरिएबल के लिए से कनेक्ट किया जाता है। जैसे ये सिंपल फंक्शन है बेटा आपका y x की फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ क्या है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1। तो x को भी t से कनेक्ट कर दिया, y को भी t से कनेक्ट कर दिया, तो x और y अल्टीमेटली कनेक्टेड हैं बट थ्रू t। इस t को हम बोलते हैं पैरामीटर बेटा, और इन इक्वेशंस को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने क्या करना है एक्चुअली, देखिए सिंपल, x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो dx बाई dt निकालेंगे हम, dy बाई dt निकालेंगे, और dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं सीधा, x 2a t स्क्वायर y a t पावर 4, इसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं हम, dy बाई dx निकालना चाह रहे हैं। तो x को विद रिस्पेक्ट टू t किया, ध्यान रखिए बेटा टी पैरामीटर है तो ए कांस्टेंट है, पैरामीटर और कांस्टेंट में क्लियर कट डिफरेंशिएशन रखना है आपने यहाँ पर, ठीक है। 2a एज सच कांस्टेंट है क्योंकि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो ये 4at हो गया dx बाई dt, dy बाई dt हम निकालना चाहते हैं a इंटू टी पावर 4, a कांस्टेंट है तो t पावर 4 का डेरिवेटिव 4t क्यूब, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 4at क्यूब, ओके। नाउ dy बाई dx कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी पुट किया 4at क्यूब, डी एक्स बाई डी टी पुट किया 4at, 4a कैंसल, टी क्यूब कैंसिल हुआ t से, t स्क्वायर, ठीक है। t पावर 3 डिवाइडेड बाई t इज t पावर 3 माइनस 1 दैट मीन्स t पावर 2। इंडिसेस के रिजल्ट यूज करो या कॉमन फैक्टर कैंसिल काउंट करो, आपकी एडेप्टेशन है बेटा, आपकी कैलकुलेशन। चलिए अनदर, x इज cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, थीटा पैरामीटर है, ठीक है। t जरूरी नहीं है, स्टैंडर्ड वही पैरामीटर होगा जिसमें भी आपको समझना होगा, थीटा पैरामीटर है। तो x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे पहले, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा माइनस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव, चेन रूल यूज हुआ बेटा, माइनस cos का डेरिवेटिव प्लस साइन, टू थीटा है, टू थीटा का डेरिवेटिव टू मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल। ठीक है, तो माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। नाउ डी वाई बाई डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, साइन टू थीटा का डेरिवेटिव कॉस टू थीटा इंटू टू। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा हमारा आया कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा आया हमारा माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, आई होप सिंपल टू कैलकुलेट। अब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन भी बेटा हम इसी ढंग से करते हैं, इसी ढंग से, और ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, u भी x का फंक्शन है कोई, v भी x का फंक्शन है, हमें निकालना है du बाई डी वी। तो सिंपली पैरामीट्रिक फॉर्म ही हो गई ना बेटा, u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन, तो x पैरामीटर हो गया। तो हमें इसमें क्या करना होता है, u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, v को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें और डिवाइड कर दें। ठीक है, बस इसी चीज को आपने फॉलो करना है। जिस भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दीजिए, जिस भी फंक्शन के विद रिस्पेक्ट करना है उसका डेरिवेटिव नीचे कर दीजिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। डिफ्रेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई पावर कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को u लिया, ई पावर कॉस एक्स को v लिया, du बाई डी एक्स निकाला बेटा, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल यूज होगा, टू इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। ई पावर कॉस एक्स में भी चेन रूल यूज होगा बेटा, ई पावर कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो जब हमने निकालना du बाई डी वी, तो du बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे dv बाई डी एक्स से, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स को डिवाइड करेंगे e कॉस एक्स माइनस साइन एक्स से, साइन एक्स कैंसल, तो हमारे पास रह गया माइनस टू कॉस एक्स अपॉन ई पावर कॉस एक्स, जिसको हम ई पावर माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पूरा यू वी मान के किया बेटा, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जनरली ये 1 मार्क्स में ही आएगा बेटा, तो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ दिस करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सीधा कर दीजिए बेटा, फिर लंबा काम मत करिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 3-5 मार्क्स में आया अगर बाई चांस, तो लिखने के लिए ये है। 1 मार्क्स में कितना चेंज करना है अपने आप थोड़ा ध्यान लगा करो बेटा। ठीक है, चलिए, tan इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x डिनोमिनेटर में। ठीक है, इस ढंग से आप कर सकते हैं। ये हो गया 1/2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में आपको बता दिया। अब देखिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को करना है विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर खुद में क्या है बेटा, 2tan इनवर्स x। प्रॉपर्टी यूज हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, यही कैलकुलस के लिए आपको कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। 2tan इनवर्स x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x सीधा लिख सकते हैं बेटा 2, सीधा लिख सकते हैं ना 2। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ गया, तो ये सब काम बेकार रह गया बेटा। सीधा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2tan इनवर्स x, इसका विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x करना है, तो 2 आपके पास आंसर क्विकली आ गया। तो ये चीजें आनी चाहिए बेटा। ठीक है, ये आपको प्रॉपर दूसरे डिफरेंट वे से लिख के बताया हुआ, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो और इन क्वेश्चंस को करके देख सकते हो, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको जरूर करिए। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक के क्वेश्चन और देखेंगे। यस, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लास्ट टॉपिक, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। अगर आपने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हो और उसका दोबारा डेरिवेटिव निकाला, तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे बेटा, ये नोटेशन नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, जिसको हम f डबल डैश एक्स भी लिखते हैं, y डबल डैश भी लिखते हैं, y2 भी लिखते हैं। आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव की नोटेशंस पता है, सिमिलर टाइप में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नोटेशंस भी होती हैं। फॉर्मूले तरीका सब वही है जो अभी तक हमने सीखा है बेटा, जो जहाँ यूज होता है वो यहाँ कर सकते हैं, बट इसके भी क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बेटा। लॉगरिथमिक, पैरामीट्रिक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से करिए इन्हें, ठीक है। पैरामीट्रिक में ही स्पेशली मैं बताना चाहती हूँ, देखिए एक्स एफ टी है, वाई जी टी है, टी पैरामीटर, डी वाई बाई डी एक्स आपने निकाल लिया, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करके। अब आपको क्वेश्चंस में ध्यान हो तो ये भी जो है हमारा फंक्शन बनता है टी का, ठीक है। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, पर एक्स तो ये डी वाई बाई डी एक्स तो फंक्शन आ गया टी का, तो हम dy बाई डी एक्स को पहले विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर t को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। चेन रूल ये यूज करते हैं बेटा ज्यादातर बच्चे। डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र को डी स्क्र एक्स बाई डी टी स्क्र से डिवाइड कर देते हैं, डी वाई बाई डी टी को भी दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एक्स बाई डी टी को भी दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया, वो डिवाइड कर दिया। बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं सिंपल एग्जांपल पैरामीट्रिक के भी आप समझेंगे। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग, ये y दे रखा है आपको, फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे इसका 2x प्लस 3 प्लस 0 दैट मींस 2x प्लस 3 आ गया। सेकंड डेरिवेटिव करना है तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, 2 आ गया सिंपली, ठीक है। इजीएस्ट इसमें जो इक्वेशन आते हैं सबसे ज्यादा बेटा इक्वेशंस बनाने के, ये देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स x दे रखा है और ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मेथड यहाँ भी अंडरस्टैंड करिए। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने निकाला, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x² बिल्कुल पता है। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पुट करना, ये मत करिए बेटा, इसी को थोड़ा सा चेंज करिए, इसी को चेंज करिए। अगर देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में ऐसे राइट में कुछ डिवाइड में है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको यहाँ लाके, तो 1 + x² इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1 हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करिए, अब डिफ्रेंशिएट करिए, अब लेफ्ट में प्रोडक्ट रूल यूज हो जाएगा, राइट में कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव सीधा 0, और लेफ्ट में प्रोडक्ट रूल यूज कैसे करेंगे बेटा, 1 + x² एज सच, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज सच 1 + x² का डेरिवेटिव 2x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y2 लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम y1 लिख सकते हैं, ये हमारा वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमसे पूछा है, ठीक है। तो अगर आप अलग अलग निकालते हैं, पुट करते हैं, यही पूरा एक पेज पे जाएगा बेटा क्वेश्चन, अभी हाफ पेज पे हो गया आपकी कॉपी के, ठीक है। ये अभी बाय मिस्टेक दोबारा लिखा गया, चलिए स्किप इट। यस, पैरामीट्रिक फॉर्म बेटा जो मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 पावर 4। अभी इसको निकाला हमने, बट फिर रिपीट कर लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू t किया 2a इंटू 2t 480 हो गया, विद रिस्पेक्ट टू t किया y को a इंटू 4t क्यूब 480 क्यूब हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला बेटे टी स्क्वायर 480 क्यूब डिवाइडेड बाई 480 टी स्क्वायर। अभी किया हमने से सेकेंड डेरिवेटिव, जब हमने करना है दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं बेटा ये फंक्शन बन गया t का, तो हम dy बाई डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे और चेन रूल यूज करते हुए t को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। ये मेनली आपने ध्यान रखना है, चेन रूल यूज हो रहा है, ठीक है। dy बाई डी एक्स टी स्क्वायर, उसको विद रिस्पेक्ट टू t किया तो 2t, और dt बाई डी एक्स के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि नया करना है, dx बाई dt का रेसिप्रोकल 1/480, ठीक है। ये कट गया 2 ने काटा 4 को, t से कटा t, तो 1/2a आंसर आ गया, ओके। तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ आपने चेन रूल यूज करना है, क्योंकि ये पैरामीटर का फंक्शन होगा, यहाँ पैरामीटर t है आपका, कुछ भी हो सकता है, उसके विद रिस्पेक्ट इनटू dt बाय dx। ये मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप है बेटा, इसको ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए। पैरामीट्रिक फॉर्म करते हुए यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ओके। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके। फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स इज ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इज ए इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, ए कांस्टेंट है ध्यान रखिए, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा में प्रोडक्ट रूल यूज हुआ, थीटा का डेरिवेटिव वन साइन थीटा एस एच प्लस थीटा एस एच साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसल, रह गया ए थीटा कॉस थीटा, ये डी एक्स बाई डी थीटा आ गया। नाउ डी वाई बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस थीटा कॉस थीटा का करना है, माइनस बाहर ही रखा, थीटा का डेरिवेटिव वन कॉस थीटा एस एच प्लस थीटा एस एच कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, ये हो गया प्लस थीटा साइन थीटा, ये कैंसल और हमारे पास रह गया ए थीटा साइन थीटा। ओके, डी वाई बाई डी थीटा ये रहा, डी एक्स बाई डी थीटा ये रहा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के लिए सेम, डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे। डी वाई बाई डी थीटा इज ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज ए थीटा साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए थीटा कैंसल, साइन थीटा पॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा। जितना सिंप्लीफाई होता है उतना कर लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव को, ठीक है, ये नहीं कि यही लेके डेरिवेटिव करने लग जाए। नाउ सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन सिंपली डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। लेकिन ये तो फंक्शन खुद थीटा का है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है। टेन थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा टेक्स स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाय डी एक्स मीन्स, डी थीटा बाय डी एक्स मीन्स, फिर से बोल रही हूँ बेटा यही स्टेप्स है मेन, वन अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, जो आप डी एक्स बाय डी थीटा निकाल चुके हो इसका रेसिप्रोकल लेना है, नए सिरे से कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया वन अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा को हम सेक थीटा लिख सकते हैं, तो वन अपॉन ए थीटा एस सर सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इज सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा। ओके, तो ये पैरामीट्रिक फंक्शंस का सेकंड डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, और बुक में आपको इसकी प्रैक्टिस कम मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए जो मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पर मैंने बहुत एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पॉज करके क्वेश्चन खुद करिए फिर चेक करिए आप, बिल्कुल यहाँ पर नोट्स में आपको ये मिल जाएगा सारा वेबसाइट पर इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए बेटा। फिर से बोल रही हूँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड पैरामीट्रिक में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें ये स्पेशली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में ये रिलेशंस बनाना, ठीक है, ये पैरामीट्रिक नहीं है बट ये रिलेशंस बनाना, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। यस, लास्ट ये मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं, सीबीएसई कोर्स में नहीं है, मैं डिस्कस नहीं कर रही, बट आप आफ्टर दैट सीयूईटी के लिए यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, वीडियोस दे सकते हैं, नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा बेटा। ओके, चलिए, आई होप बेटा ये डिस्कशंस यूजफुल रह रहे हैं आपको, एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, एनकरेजमेंट मिलती है और वीडियोज बनाने के लिए आपके लिए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।